अर्थ की जो ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली कितने किलोमीटर दूर तक काम करती है और कितने किलोमीटर और जाकर आप फ्लोट करने लगोगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी डिपेंड करती है उसके मास पर। जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो एटमॉस्फेयर की चार लेयर्स के बाद जो कि 80 किलोमीटर की होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने लगता है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता, पर आपको डिफरेंस फील जरूर होगा। और लगभग 400 किलोमीटर जाने के बाद इंसान फ्लोट करने लगेगा।